फ्रेंड्स, कैसे हैं? दिस इज आई स्टार्ट एंड टुडे विल स्टार्ट अप्रोक्सीमेशन एक्सरसाइज 6.4। नाउ बच्चों, ये एक्सरसाइज बहुत इजी है। टेंजेंट, नॉर्मल, अप्रोक्सीमेशन या अपने जो बड़ी बड़ी एक्सरसाइज है उन जैसी नहीं है, ये सबसे इजी एक्सरसाइज है। इसमें क्वेश्चन जनरली साल, दो साल, तीन साल के अंदर आ जाता है। ऐसा नहीं है कि हम लोग इस एक्सरसाइज को बिल्कुल छोड़ दें, नहीं, करके जाना है। और बहुत इजी एक्सरसाइज है, वन ऑफ द इजी एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर। ओके, सिर्फ एक फार्मूला, थोड़ा सा जनरल नॉलेज और आपका काम हो जाएगा। नाउ लेट्स स्टार्ट द एक्सरसाइज। पहले समझते हैं कि एक्सरसाइज पढ़ क्यों रहे हैं, क्या काम की है। देखो, अप्रोक्सीमेशन समझ में आया? अप्रोक्सीमेशन देखो बच्चों, जैसे कि मुझे हमको पता है रूट 25 होता है 5, है ना? क्लियर? तो ये तो मुझे आता है। मुझे कुल मिला के अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालनी है, जैसे कि एग्जाम्पल रूट 25.4, ठीक है? तो मुझे इसकी अप्रोक्सीमेट निकालनी है, वैल्यू निकालनी है। जैसे हमको पता है कि 5.02 या 03 कुछ होगा, बट मुझे एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी है कि इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या आने वाली है, ठीक है? यहाँ पे नाउ जैसे कि 37 का निकालना है मुझे, बिकॉज 36 का तो मुझे पता है, 37 का निकालना होगा, 34 का निकालना होगा। पर सर, क्या रूट में ही ज़रूरी है? नहीं, रूट में ज़रूरी नहीं है, कैसे भी। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल 36 की पावर 1/3 निकालना है, क्या बात समझ में आई? परफेक्ट। कुछ और ले लो, 33 की पावर 1/5 निकालना है, क्या बात समझ में आई? क्लियर? 1/5 भी निकाल सकते हैं, क्लियर है? 33 की पावर 1/5, डन हो गया। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ मैं एक ऐड करता हूँ, 28 बोलता हूँ। अब बच्चा और अच्छा और देखो, और देखो एग्जांपल, और देखो फॉर एग्जांपल 10 की पावर 11 की 1/10 निकालना है, इसकी वैल्यू मुझे निकालनी है। तो गाइज, आप समझो बच्चों कि मुझे इनकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू चाहिए। क्या चाहिए? अप्रोक्सीमेट वैल्यू चाहिए, ठीक है? यहाँ पे हम जो वर्बली बोलते हैं, जैसे 25 पॉइंट का होगा 5.02, ये तुक्का मारा हम लोगों ने कि होगा तो सही, हो जाएगा, पर मुझे एग्जैक्ट जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू आती है कैलकुलेटर के अंदर, वैसी वैल्यू चाहिए। सो गाइस, डिफरेंशिएशन का एक और यूज़ आ गया, मुझे किसी भी चीज़ की अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालने में काम आता है डिफरेंशिएशन। दैट इज़ वाई चैप्टर का नाम क्या है? एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। जैसे 10th में था एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, वैसे यहाँ पे है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। एक और आएगा एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, जब हम लोग पढ़ेंगे। सो कंसेप्ट क्लियर हो गया कि क्या करने वाले थे? ना, मैं सारी चीज़ें पहले ही क्लियर करा देता हूँ ताकि क्वेश्चन करते वक्त दिक्कत नहीं आए। ना देखो बच्चों, मुझे बताओ इन 1, 2, 3, 4 इनके अंदर फंक्शन क्या चल रहा है? फंक्शन चल रहा है बच्चों, ध्यान से देखना, रूट एक्स। फंक्शन क्या चल रहा है? रूट एक्स। जरा इसमें देखो बच्चों, इसके लिए फंक्शन क्या होगा? एफ एक्स होगा इसके लिए एक्स की पावर 1/3, क्या बात समझ में आई? क्लियर है? इसके लिए मुझे बताओ फंक्शन क्या चल रहा है? फंक्शन समझ रहे हो? मशीन क्या चल रही है? फंक्शन इसके लिए भी चल रहा है बच्चा एक्स की पावर 1/5, इसके लिए एक्स पावर 1/3, इसके लिए एक्स पावर 1/5, क्या बात समझ में आई? इसके लिए फंक्शन क्या चल रहा है बच्चों? एफ एक्स एक्स की पावर 1/10, क्या ये बात क्लियर हुई? क्या फंक्शन वाला फंडा क्लियर हुआ? यस और नो? कोई और भी क्वेश्चन ले लो, जैसे कि 217 की पावर 1/3। तो बच्चों, इसमें क्या फंक्शन चलेगा? फंक्शन चल रहा है एक्स की पावर 1/3 की। जो मशीन चल रही है वो किसकी चल रही है? एक्स की पावर 1/3 की। क्या फंडा क्लियर हुआ? मुझे ये क्लियर कराना बहुत ज़रूरी है, क्लियर हुआ? अब मैं आपको चीज़ सिखाता हूँ, असली चीज़, इसका फॉर्मूला, ठीक है? मैं पहले सारे बेसिक आइडिया आपको क्लियर करा देता हूँ ताकि क्वेश्चन करते वक्त हमको बहुत ईजी हो जाए। फॉर्मूला है एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स। प्लीज़ ध्यान से देखें, फॉर्मूला क्या है? एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, मैं सब समझाऊंगा अभी, प्लस डेल्टा एक्स एफ डैश एक्स, ठीक है? यहाँ पे प्लीज़ ध्यान से देखना बच्चों, दिस इज़ द फॉर्मूला। इस वाले एक्सरसाइज में कोई फीलिंग नहीं है, जैसे हम लोग को टेंजेंट नॉर्मल फील किया था, है ना? इधर हम सब लोगों ने फील किया, इधर कोई भी फीलिंग नहीं। रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी में हमने फीलिंग लिया था कि ऐसे होता है वैसे होता है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में फीलिंग लिया था, चैप्टर का फील आ रहा था, एक्सरसाइज का फील आ रहा था। यहाँ कोई फील नहीं है, ठीक है? यहाँ पे हमको सिंपली हार्टलेस फॉर्मूला याद करना है, चीज़ें समझ ली हम लोगों ने कि क्या चीज़ें हो रही है, डन। नाउ एक्स प्लस डेल्टा एक्स एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इन टू क्या है साथ में यहाँ पे?
इंटू एफ डैश एक्स। क्या फंडा क्लियर? पहले समझ में आना चाहिए, थोड़ा सा फील इसके लिए भी आ जाए, चीज़ें क्या है, टर्मोलॉजिस क्या है। जरा ध्यान से देखो, इसके लिए बच्चा फंक्शन क्या था मेरा, एक्स की पावर हाफ या रूट एक्स बोल, बात एक ही होती है। तो बच्चों फंक्शन जो मुझे बताना है वो ये रहा। आई वा सर, मैं फंक्शन हर क्वेश्चन के लिए मुझे फंक्शन डिफाइन करना पड़ेगा। इसके लिए इस क्वेश्चन की बात करें तो फंक्शन कौन सा हो गया, ये फंक्शन, और कौन से आ रहे हैं हमारे पास, ये रहा एक्स पावर 1/5, और फंक्शन कौन कौन से हमारे पास, ये रहे, और कौन सा फंक्शन है, ये रहे। ये सब मेरे क्या है, फंक्शंस हैं। क्या है मेरे, फंक्शंस, डन। अब सर ये x प्लस डेल्टा x क्या है, जरा देखो ध्यान से प्लीज़। ये तो मुझे आता है, इसकी वैल्यू मुझे नहीं आती, तो ध्यान से देखना बच्चों। क्वेश्चन भी आपको क्या करेगा, क्वेश्चन भी ऐसा आएगा कि आपको रूट एक्स जैसे 25.4 है, तो मुझे पता है कि 25 का रूट मुझे आता है, 0.4 का नहीं आता, बट 25 का मुझे आता है। 1/3 लिखा है तो आपको पता है कि 27 क्यों बोला कि 27 3 का 1/3 होता है, परफेक्ट। 33 देखो कब आओ 1/5, सो यू नो 32 एक ऐसी वैल्यू है जो 2 की पावर 5 हो जाएगी, मतलब ये करीब वाली वैल्यू मुझे पता है। जरा यहाँ देखो 10 की पावर 11 बोला, तो 10 की पावर 10 × 10, 10 की पावर 10 और ये 1/10 गायब हो सकता है, ठीक है। 217 बोला तो मुझे पता है कि 216 6 का क्यूब होता है, तो 216 प्लस 1 है ना। सो बच्चों जिनके बारे में तुम्हें पता है, जैसे इसके द्वारा देखो तो x हो जाएगा 25, डेल्टा x हो जाएगा 0.4। तभी तो बोला है 25.0.4, 25 प्लस 0.4 इज 25.4, परफेक्ट। जरा यहाँ देखो बच्चों, इसके लिए क्या बोलोगे, x हो जाएगा 36, डेल्टा x हो जाएगा 1, ठीक है। सर मुझे एक शक और है, क्या शक है जरा देखो, अगर क्वेश्चन ऐसा आया 35, तो बच्चा इसमें क्या करेंगे हम लोग, इस केस में डेल्टा x हो जाएगा 36, नहीं x हो जाएगा 36 एंड डेल्टा x हो जाएगा कितना, -1, क्योंकि 36 से एक कम हो रहा हूँ, तो डेल्टा x कैन बी नेगेटिव कैन बी पॉजिटिव, बात क्लियर हुई। जरा यहाँ देखो बच्चों, इसमें x क्या हो जाएगा 32 और डेल्टा x क्या हो जाएगा 1, पंडा क्लियर, 32 + 1 = 33। इसमें x क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा 27 और डेल्टा x कितना हो जाएगा +1, क्लियर हुआ। इस केस में x कितना हो जाएगा 10 की पावर 10, डेल्टा x कितना हो जाएगा 10, ठीक है। ये जमा नहीं, चलो ये तो सिर्फ एग्जांपल था, ये जमा नहीं अपने हिसाब से, हटाओ इसको तो हटाओ, ये मैंने सिर्फ वर्बली ऐसे मन से ही दिया था मैंने। जरा इसका देखो, इसमें क्या हो जाएगा बच्चों, x हो जाएगा 216 और डेल्टा x हो जाएगा 1, क्या बात, समझ में आई सबको, डेल्टा x और 1 फंडा में। सर डेल्टा x 1 ज़रूरी है क्या, नहीं ज़रूरी नहीं है। जरा और देखो एग्जाम्पल देखो, मैं बोलता हूँ 218 बोल दिया मैंने, तो हम लोग ले सकते हैं यहाँ पे x ले लिया 216, डेल्टा x ले लिया 2, क्या बात क्लियर है। डेल्टा x कोई प्लस 1 या माइनस 1 ज़रूरी नहीं है, हम लोग 2, 3, 4 कुछ भी आ सकता है, ठीक है बच्चों। क्या कंसेप्ट समझ में आया, फॉर्मूला प्लीज़ आप लोग याद करें, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन, नाउ वी विल स्टार्ट क्वेश्चंस, क्लियर, कॉपी करें। सो बच्चों आते हैं क्वेश्चन में फर्स्ट पे, यूजिंग डिफरेंशियल फाइंड द अप्रॉक्सिमेट वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग अप टू 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल। ना देखो एफ एक्स दिया हुआ है रूट 25.3, मुझे इसकी अप्रॉक्सिमेट वैल्यू लानी है, एंड आप सबको पता है कि इसकी अप्रॉक्सिमेट वैल्यू होगी 5.02 या 03, ऐसे कोई अराउंड इसकी वैल्यू होने वाली है, ठीक है यहाँ पे, बट मुझे पूरा प्रोसेस फॉलो करना है, उसके थ्रू लाना है। ना देखो पहले हमारा काम होगा फॉर्मूला लिखना। सब बच्चे प्लीज़ ध्यान रखना एक चीज़, आप सब लोग ध्यान रखना, इनिशियली एक या दो क्वेश्चन में तकलीफ आएगी, क्या होता है इसका जो फॉर्मेट है ना वो फॉलो लेने के लिए थोड़ा सा तकलीफ आता है, पर 3 से 4 क्वेश्चन करेंगे तो आई गारंटी आपको इसका फॉर्मेट हाथ में बैठ जाएगा, दिमाग में बैठ जाएगा और आपसे हो जाएगा। पर प्लीज़ मेक श्योर 3 से 4 क्वेश्चन करने से पहले ही उम्मीदें मत हार जाना, ठीक है ना। 3-4 क्वेश्चन में दिक्कत आती है, बट 3-4 क्वेश्चन जैसे कर लिया आप लोगों ने खुद से सेल्फ, यानी गारंटी आपको बहुत ईजी लगेगा, ठीक है। नाउ पहला काम था एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स का फॉर्मूला है एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स एफ डैश एक्स, क्या बोला, एफ डैश एक्स, एफ का डिफ्रेंशिएट करना।
नाउ गाइस प्लीज देखो, सो आप लोग जज कर पा रहे हैं कि एफ एक्स कौन है, फंक्शन कौन है मेरा, डेल्टा है, रूट एक्स, रूट चल रहा है, डन, कोई दिक्कत नहीं है। आप जरा देखो इसमें एक्स कितना है 25 एंड डेल्टा एक्स कितना है 0.3। क्या ये बात तय है? हम लोगों ने बहुत डिटेल में डिस्कशन कर चुके हैं इस बारे में, तो मैं अब इन चीज़ों पे वक्त ज़्यादा देने वाला नहीं हूँ। मैं कर चुके हैं हम लोग डिस्कशन, आई थिंक क्लियर है 25 और डेल्टा एक्स कितना होगा 0.3। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्लीज़ देखें, डेल्टा एक्स हीरा एफ डैश एक्स चाहिए मुझे। क्या बताओ बच्चा इसका डिफ्रेंशिएशन कितना होगा? सबको पता है रूट एक्स का होता है 1/2 √x। क्या ये बात तय है? कोई दिक्कत नहीं है, जरा यहाँ देखो। सो प्लीज देखें एफ एक्स कितना है रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स कितना है 0.3, एफ डैश एक्स कितना है 2 √x। कोई दिक्कत, परफेक्ट। ये बोले तो कौन है, पूरा फंक्शन ही है अपना 25.3। बच्चों x की वैल्यू कितनी है सिंबल, अरे ये तो क्वेश्चन ही होगा ना जिसके बारे में मुझे वैल्यू फाइंड करनी है, ये तो क्वेश्चन ही होगा ना अपना। एफ एक्स, x की वैल्यू कितनी है 25, तो इसमें कितना है √25 प्लस 0.3 इंटू 1/2, और इसमें भी क्या आएगा √25। भाई x की वैल्यू डालने को बोल रहा है, डाल दी हम लोगों ने इसमें, तो 25 का 5 0.3 / 2 बच्चों 25 5, ठीक है 5 प्लस ये 0.3 / 10, सो यू नो वेरी वेल कि 5 + 0.03 क्या आएगा, ये 0.03 बोले तो योर आंसर इज 5.03 इज योर वैल्यू एंड यू कैन चेक इन योर कैलकुलेटर ऑल्सो। क्या बात समझ में आई? तीन क्वेश्चन रुक जाओ, सब उंगली पे काम होगा, बस तीन क्वेश्चन तक रुक जाओ, प्रैक्टिस करो हल्का सा, गारंटीड हो जाएगा। क्लियर है? यहाँ पे फॉर्मल लिखा, x और डेल्टा x को पहचाना, एफ एक्स का डिफरेंशिएशन किया, सिंपली पुट द वैल्यूज इन, यू विल गेट योर आंसर। क्लियर? चलिए अगले क्वेश्चन में, तो प्लीज़ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। सो बच्चों आते हैं क्वेश्चन फर्स्ट का सेकेंड पार्ट। नाउ सी, √49.5 के बारे में बात करने जा रहा है। हमको पता है कि इसका आंसर जो भी होगा 7 point something होगा, क्योंकि 49 का होता है 7 और पॉइंट का कुछ आगे जाएगा 7 point something कुछ होगा। चलो अब मुझे निकालनी है वैल्यू विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर, ठीक है। सो पहला जो प्रोसेस कहता है वो होता है फॉर्मूला लिखना, तो लिखे फॉर्मूला क्या होगा हमारा यहाँ पे, एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स डॉट एफ डैश एक्स। मैं उम्मीद करता हूँ सबको फॉर्मूला याद हो गया होगा, प्लीज़ मेक श्योर पहले फॉर्मूला याद हो, ठीक है यहाँ पे। नाउ सेकेंड काम मेरा जो है, मुझे पहचानना है कि फंक्शन कौन सा चल रहा है। सबको पता है फंक्शन जो चल रहा है रूट एक्स का चल रहा है, क्लियर। फिर सेकेंड काम जो है वो देखना है कि एक्स कौन है बच्चा, तो एक्स है मेरा 49 एंड डेल्टा एक्स जो है बच्चों आपको पता है कि 0.5। क्या यहाँ तक कोई शक, कोई दिक्कत नहीं है ना? आगे चलते हैं, मैंने ये निकाल लिया और एफ डैश एक्स करना है, मतलब फंक्शन का क्या करना है बच्चों, मुझे डिफ्रेंशिएशन करना है। सो देखो बच्चा एफ डैश एक्स करते हैं अपन, तो रूट एक्स का आप सबको पता है कि 1/2 √x। प्लीज़ जिसको याद नहीं है तो मेक श्योर याद करें कि एफ डैश रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है 1/2 √x। क्लियर बच्चों? नाउ अब मुझे सिंपली वैल्यूज करनी है। सो आप सबको पता है एफ एक्स डेल्टा एक्स लिखा, एफ एक्स कितना है रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स कितना है बच्चों मेरे पास 0.5 इंटू एफ डैश एक्स कितना है 1/2 √x। यहाँ तक कोई तकलीफ नहीं है, ये देखा है मतलब कौन है, क्वेश्चन को ही सॉल्व कर रहे हैं, तो रूट के अंदर 49.5 आ जाएगा, कोई तकलीफ नहीं है। फिर रूट एक्स के बारे में बात करते हैं बच्चों, एक्स की वैल्यू कौन है 49 प्लस 0.5 इंटू 1/2, और ये कितना आएगा 49। भाई एक्स तो मेरा क्या है 49। आप क्वेश्चन की चाल समझ रहे हैं कि उसने सेटिंग इस तरह करी है कि एक्स में वही चीज जावे जिसका प्रॉपर रूट आ जावे, दैट इज 49, ठीक है। नाउ 7 root इसका आ जाएगा बच्चों, 49 का हो जाएगा 7 प्लस 0.5 / इसका आ जाएगा बच्चों 7। इतनी चीज़ें तो मुझे करनी नहीं चाहिए, बट हालांकि आप लोगों के लिए मैं कर रहा हूँ अभी, वरना जिसकी कैलकुलेशन अच्छी है वो डायरेक्ट यहाँ से जंप होकर यहाँ आ सकता है।
नाउ 0.5/14 ये होता है 0.036, ठीक है। यहाँ पे ये होगा 0.036। एक बात ध्यान रखना बच्चों आप लोग, जो मेजर इशू एक इशू और आता है डिवाइड करने वाला, सो प्लीज़ मेक श्योर घर पे अच्छे से प्रैक्टिस करें, इसको सिर्फ सॉल्यूशन में देख के कॉपी कर लिया ऐसे काम ना करें। आप लोग प्लीज़ बहुत अच्छे से इसको, भाई पॉइंट हटेगा तो नीचे जीरो आएगा, तो बेटर है कि आप लोग इसको प्रॉपर प्रैक्टिस करें डिवाइड करने की, वरना एग्जाम में अटकते हैं। ये क्वेश्चन की जो मार्किंग है वो करीबन मान के चलो 2 to 3 मार्क्स के क्वेश्चन हैं, ठीक है बच्चों। नाउ सो एट दैम यू विल गेट 0.7036। सो दिस इज द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू यू कैन वेरीफाई फ्रॉम योर कैलकुलेटर। क्या बात समझ में आई? ईजी था प्रोसेस, सेकेंड हुआ फिर दो रुक जाओ, आपके हाथ में क्वेश्चन जम जाएंगे। सो गाइज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। सो बच्चों बात करते हैं इसके थर्ड पार्ट के बारे में, रूट के अंदर 0.6, रूट के अंदर 0.6। नाउ इट्स क्वाइट डिफिकल्ट फॉर मी टू फाइंड द वैल्यू, सो विल यूज डिफरेंशिएशन। नाउ देखो बच्चों, पहला प्रोसेस जो आप सब लोग जानते हो कि मुझे लिखना है फॉर्मूला, मन में बोले फॉर्मूला एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स एंड एफ डैश एक्स, क्लियर परफेक्ट। नाउ सेकेंड काम देखना है कि फंक्शन कौन सा चल रहा है, फंक्शन चल रहा है रूट एक्स का, परफेक्ट। नाउ देखो कुछ जगह आपको बहुत इजी हो जाएगा कि आपको जज करना है कि एक्स कौन है और डेल्टा एक्स कौन है, यहाँ पे कुछ जगह बहुत इजी होगा टू फाइंड द वैल्यू ऑफ डेल्टा एक्स एंड एक्स, पर कुछ जगह थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, तो वहाँ प्रैक्टिस चाहिए, एनसीईआरटी की प्रैक्टिस करो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे जो बच्चों थोड़ा सोचना, रूट एक्स है तो मुझे डेफिनेटली एक्स वो चाहिए जिसका मैं रूट अच्छे से निकाल सकूँ। आपने जरा पीछे देखा होगा 25.3 था, तो 25 का रूट मुझे निकालना आता था, फिर एक और था अभी हम लोगों ने किया तो उसमें भी रूट 49 का रूट मुझे निकालना आता है, तो मुझे ऐसी वैल्यू देखनी है जिसका रूट मैं बहुत अच्छे से निकाल सकूँ। तो जरा ध्यान से देखना बच्चों, प्रैक्टिस से बहुत अच्छे से, कोई टेंशन नहीं, मतलब 0.6 को ले रहा हूँ। क्या 0.6 का रूट पता है क्या होता है? जरा सोचो, सोचना, पॉइंट हटाया तो 64/100 हो गया, रूट पूरा है 64 का 8 बार आ गया, 100 का 10 बार आ गया, तो 8/10 मतलब 0.8 हो जाएगा, ठीक है। सो नाउ देखो एंड पर मुझे इसको वापस ओरिजिनल पोजीशन पे लाने का है, तो डेल्टा एक्स, जरा सोचो डेल्टा एक्स कितना होगा, 0.64 को मुझे वापस 0.6 बनाने का है, तो क्या होगा -0.04। बात समझ में आई? खुद देखो बच्चों, 0.64 में से अगर मैंने -0.04 किया तो 0.6 और ये आ गया 0.60, मतलब 0.6 परफेक्ट। अब सर मुझे दिक्कत होती है, कुछ बच्चे होंगे जहाँ पे दिक्कत होती है, तो कैसे निकालें ये वैल्यू? जैसे कुछ लोग बच्चे बोलते हैं सर मैंने ये सोच ली वैल्यू पर ये नहीं सोच पाता, तो जरा क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना, 0.64 में से 0.6 माइनस कर दो तो यू विल गेट 0.04, और माइनस लगाना है क्योंकि मुझे कम करने का है वैल्यू, क्लियर। बात समझ में आई? जो लोग ये नहीं सोच पाते हैं तो इसको और इसको माइनस कर दो, यू विल गेट द डेल्टा एक्स, यू विल गेट डेल्टा एक्स। क्या डन? यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? चलें अपन आगे। नाउ देखो बच्चों, यहाँ तक सब क्लियर हो गया? नाउ मेरे पास एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स है, कोई दिक्कत नहीं है, इक्वल्स टू एफ एक्स कितना है मेरे पास, डेल्टा एक्स। अब थोड़ा डायरेक्ट करें, डेल्टा एक्स कितना है -0.04, कोई दिक्कत नहीं है, एंड 1/2√x, परफेक्ट। ना बच्चों रूट एक्स की वैल्यू कितनी हो गया, 0.064 रख दो, प्लस माइनस कितना हो जाएगा, -0.04 × 1/2√0.64। यहाँ तक कोई डाउट किसी को? कोई दिक्कत नहीं है। नाउ देखो, नाउ इसको क्या लिखेंगे अपन, क्या सबको समझ आया? मैं इसको रफली सॉल्व कर देता हूँ आप लोगों के लिए। 0.64 कैसे होगा, मतलब पॉइंट हटा 64/100 बोले तो कितना आया, ये दोनों बाहर जाएंगे तो 8/10 बोले तो 0.8, ठीक है। जिनको तकलीफ आ रही है वो करें, -0.04/2 इसका 0.8 आ जाएगा, क्लियर बच्चों। अब जरा सोचो इसका कितना होगा, इसकी वैल्यू होगी, सॉल्व करते हैं इसकी, अपन को मिलेगी वैल्यू
0.8 माइनस 0.025, ठीक है बच्चों। अब इसको माइनस कर दो तो हमको मिलेगा, इसको माइनस करो 0.8, 0.025 माइनस कर 5 आया, यहाँ पे 9 का 7 बचा और यहाँ 7, तो मुझे फाइनल वैल्यू मिली 0.775। तो आवर फाइनल आंसर इज 0.775। क्या फंडा क्लियर हुआ? तो जो मेजर तकलीफ आपको आएगी ना बच्चों यहाँ पे, वो ये सॉल्व करने में आएंगे, ठीक है। प्रॉपर डिवाइड करना, कई लोगों की यहाँ पे गलतियाँ हो जाती है। सो अप्रोक्सीमेट वैल्यू है तो हम लोग साइन में लगाएंगे यहाँ पे किसका, अप्रोक्सीमेशन का। क्लियर बच्चों? डन, चले अगले क्वेश्चन तरफ, कॉपी करें इसको। सो बच्चों आते हैं फोर्थ पार्ट पे। नाउ यहाँ फंक्शन बदल गए, यहाँ रूट वाले नहीं रहे, अब कौन से आ गए, 1/3, एक्स की पावर 1/3। नाउ देखो 0.009 है कि पावर 1/3। अब मुझे ऐसी वैल्यू देखनी है कि जिसकी पावर 1/3 हो और मैं इजीली सॉल्व कर पाऊँ। ज़रा सोचो बच्चों, पहला काम तो फॉर्मूला लिखे, फटाफट लिख दो, एफ एक्स क्या आएगा, डेल्टा एक्स, फिर एफ डैश एक्स, ठीक है। ज़रा सोचना बच्चों कि एक्स कितना हो सकता है यहाँ पे, 0.008 ले सकता हूँ, बताओ ज़रा मुझे, जरा खुद सोचना। 0.008 का 1/3 निकाल सकता हूँ, 8 होता है 2 का क्यूब, और यहाँ पे 3 जीरो नीचे आएंगे, 3 जीरो डिनोमिनेटर में आएंगे, 1000 आएगा, 1000 का 1/3 होता है 10, तो दैट वाज इजी फॉर मी टू कैलकुलेट 1/3। एंड डेल्टा एक्स हो जाएगा बच्चों कितना, 0.001, ठीक है। तो जरा खुद देखो, 0.008 प्लस 0.001 इज इक्वल टू 0.009। क्या फंडा क्लियर? चलो मैं आगे, फंक्शन कितना है बच्चा मेरा यहाँ पे, एक्स की पावर 1/3। प्लीज़ ज़रा ध्यान से भाई ये चीज़ ध्यान से देखना, फंक्शन की पावर 1/3, तो एफ एक्स होगा एक्स की पावर 1/3। नाउ बच्चों एफ डैश एक्स निकाल लें, यू ऑल नो 1/3 नीचे आएगा, एक्स की पावर 1/3 माइनस 1, तो 1/3 एक्स की पावर हो जाएगा बच्चों माइनस का 2/3। क्या ये बात क्लियर हुई? बोले तो कितना हुआ, 1/3, 1 × 1/x की पावर 2/3। कोई दिक्कत नहीं है, चलो मैं डिफ्रेंसिएशन क्लियर। चलो नाउ मुझे वैल्यू फॉर्मूला में रखनी है, तो एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स हो गया, एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इक्वल्स टू एफ एक्स कितना है मेरा बच्चों, एक्स की पावर 1/3, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस डेल्टा एक्स कितना है 0.001, ये भी कोई दिक्कत नहीं है। देन एफ डैश एक्स कितना है बच्चों, क्या नीचे लिख दूँ डायरेक्ट डिनोमीटर में, 3 एक्स की पावर 2/3। यहाँ तक क्लियर सबको? मेरी वॉइस बहुत अच्छे से आती है समझ में, कोई दिक्कत है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए। नाउ देखो यहाँ तक सब कुछ परफेक्ट हो चुका है। सो ज़रा देखो आगे चलते हैं, एफ ये किसकी वैल्यू निकाल रहा हूँ मैं, 0.009 की पावर 1/3। प्लीज़ पुट द वैल्यू, एक्स कौन है बच्चों, 0.008 की पावर 1/3 प्लस 0.001, 3 × x कौन है, 0.008 की पावर 2/3। नाउ मैं सबको अलग से सॉल्व करके दिखा देता हूँ कि वैल्यू कैसे आ रही है। कुछ लोगों का इशू रहता है जिनको नहीं आता है बच्चों, सो प्लीज़ देखना कैसे सॉल्व करते हैं। 1/3 है ना, अगर मैं यहाँ से पॉइंट हटाऊंगा तो नीचे 1000 आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। वी ऑल नो 8 जो होता है 2 का क्यूब होता है, 1000 होता है 10 का क्यूब होता है, तो ये 3 कॉमन आके, पावर 3 कॉमन आके हट जाएगा, तो मुझे मिला 2/10, बोले तो 0.02। परफेक्ट, क्या ये डन हो गया? ज़रा इसको देखो, 0.08 की पावर 2/3, थोड़ा समझदार हो ना, देखो कैन आई राइट लाइक दिस, 1/3, बात तो एक ही रहेगी ना, 0.08 की पावर 1/3 पावर मिडला होती है, 2 × 1/3 2/3 हो जाएगा। इसकी वैल्यू कितनी आई थी हमारे पास, 0.2 का स्क्वायर, बोलो तो 0.04। यहाँ तक कोई डाउट किसी को, क्या 0.2 का स्क्वायर निकालना आता है, 0.2 × 0.2 बोले तो 0.04। परफेक्ट,
चलें अपन बच्चों आगे। अब जरा देखो, ये बोर्ड में ना करे चलता है, कोई ज़रूरत नहीं है, जो लोग डायरेक्टली कर सकते हैं दे कैन डू डायरेक्टली। ओके, ना देखो इसकी वैल्यू आई थी मेरे पास 0.2 प्लस 0.001 अपॉन 3, इसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास 0.04। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 0.2 बच्चों इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करना सबसे बड़ी दिक्कत है। आप लोग सब लोग प्लीज़ डिवाइड करना अच्छे से। इसकी वैल्यू आ रही है हमारे पास करीबन 0.008। ठीक है, प्लीज़ सॉल्व, यू कैन सॉल्व दिस। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, मुझे ऐसा नहीं है कि डिवाइड करना सिखाना पड़ रहा है, सब लोग बड़े बच्चे हो। तो 0.208 इज़ द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ 0.009 की पावर 1/3। क्या बात समझ में आई सब बच्चों को? पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन गाइस। सो बच्चों बात करते हैं इसके फिफ्थ पार्ट के बारे में। नाउ ये और एक नया आ गया फंडा, 0.999 की पावर 1/10। सो बताइए मुझे फंक्शन क्या आ रहा होगा, बोलो मन में बोलो सही, फंक्शन क्या आ रहा होगा? एक्स की पावर 1/10। क्लियर यहाँ पे? सो फंक्शन मेरा आ रहा होगा एक्स की पावर 1/10। बट आप सबको पता है कि पहला अपना काम क्या है, फॉर्मूला लिखना। प्लीज़ फॉर्मूला लिखें, मैं इसको इतना तवज्जो इसलिए देता हूँ क्योंकि एक वक्त के बाद हम लोग इन फॉर्मूला को भूल जाते हैं। ठीक है ना, एक्स क्या लें? सवाल ये नहीं है कि फंक्शन कौन सा है, तो अब सब लोग जान चुके होंगे। सवाल ये है कि एक्स क्या है और डेल्टा एक्स क्या है। सोचो ज़रा, सोचो 1/10 एक बहुत बड़ा फ्रैक्शन है को जिसकी वैल्यू निकालना मुश्किल है। तो मुश्किल वाला छोड़ो, छोड़ो ईजी वाला काम कर लो। क्या अगर मैं ज़रा सोचना बच्चों, अगर एक्स को 1 ले लूँ एंड डेल्टा एक्स को माइनस क्या लेते हैं अपन, माइनस 0.001, तो मुझे क्या 0.999 मिल जाएगा? सर ये नहीं सोच पाते, टेंशन किस बात के ले रहे हो? 1 में से 0.999 माइनस कर दो, यू विल गेट 0.001। क्या बात क्लियर? कई बार होता है ना कि ये चीज़ सोचना ईजी होता है, इसको निकालना मुश्किल होता है। सिंपली 1 में से 0.999 माइनस कर दो, काम हो जाएगा आपका। डियर चले, चलो यहाँ तक क्लियर हो गया। फंक्शन आ गया, फंक्शन का एफ डैश एक्स निकाल लें बच्चों। सारी तैयारियाँ पहले ही कर लें ताकि मुझे सिर्फ वैल्यू पुट करना रहेगा। तो 1/10 आ गया, आया एक्स की पावर 1/10 माइनस 1। सो कितना है 1/10 एक्स की पावर माइनस 9/10। बोले तो 1/10 एक्स की पावर 9/10। क्लियर, नेगेटिव है ना, तो नीचे आके पॉजिटिव हो जाएगा। नाउ बच्चों एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इक्वल्स टू एफ एक्स कितना है एक्स पावर 1/10, डेल्टा एक्स कितना है, डेल्टा एक्स है रहा माइनस 0.001। प्लीज़ ऐसे ना लिखें, लिखें लगाएं ब्रैकेट, परफेक्ट। नाउ एफ डैश एक्स कितना है मेरे पास 1/10 एक्स की पावर 9/10। यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं किसी को? नाउ देखो ये बोले तो ये मतलब जिसकी वैल्यू मेरे को निकालनी है वही दी आ जाएगी 999 की पावर 1/10 एक्स। एक्स कितना है बच्चा मेरे पास 1 की पावर 1/10 प्लस माइनस परफेक्ट 0.001 अपॉन 10। ये 0.0 काट मत देना, हुआ पॉइंट में ही हला। फिर x कितना है 1 की पावर 9/10। सो बच्चा जानता है कि 1 की पावर कुछ भी हो, 1 की पावर कुछ भी हो तो वो क्या होगा, हमेशा 1 ही कहलाएगा। तो इसको कहते हैं अपन लोग यहाँ पे 1 माइनस 0.001 अपॉन 10, और 1 की पावर कुछ भी है तो 1 हो जाएगा, तो 1 × 10 1। सो 1 माइनस 0.0001 एक पॉइंट और चढ़ जाएगा, तो लास्ट में मुझे आंसर कितना आएगा बच्चा इसका यहाँ पे 0.999 and 9। सो फाइनली जो इसका आंसर आया बच्चा, मुझे ये वैल्यू निकालनी हो ना आप लोग, तो आप लोग निकाल सकते हैं साइंटिफिक कैलकुलेटर में। नॉर्मल मोबाइल के कैलकुलेटर में इसकी वैल्यू आप लोग नहीं निकाल सकते, इसको साइंटिफिक कैलकुलेटर चाहिए। वो ऐप मिल जाएगा आप लोगों को, उसमें निकाल के वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है, पर अपने इतना लोड नहीं लेना, अपने को प्रोसेस आना चाहिए, प्रोसेस की कैलकुलेशन आनी चाहिए,
आंसर तो पीछे वेरीफाई कर सकते हैं हम लोग। सो गाइस समझ में आया आपको, पहले पूरे सब क्वेश्चन में एक ही काम करा, फॉर्मूला लिखा है, वी डिफाइन, हमने कैलकुलेट किया कि फंक्शन क्या है, देन मेजर पार्ट की डेल्टा, उसका डेल्टा एक्स और एक्स कितनी वैल्यू वो कितनी है, फिर सिंपली सॉल्व किया और अपने को अपना आंसर मिला। बस ध्यान रखना इधर वाले पार्ट में कैलकुलेशन आता है तो मुझे सोचना है। सो आई गाइस प्लीज़ पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, एंड आई होप सो गाइस अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे बिल्कुल करें। थैंक यू।